हेलो फ्रेंड्स, कुक विद अंजू में आपका स्वागत है। आज हम आटा ढोकला रेसिपी देखेंगे। गेहूँ के आटे से कैसे ढोकला बनाते हैं ये देखेंगे फ्रेंड्स। वैसे तो नॉर्मली हम बेसन के आटे का ढोकला बनाते हैं, बट यहाँ पे मैं आज आपको गेहूँ के आटे से कितना हेल्दी और पौष्टिक ब्रेकफास्ट फटाफट बन सकता है ये दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल आटा लिया है, उसी के साथ मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन का आटा लिया है, 1 छोटा चम्मच खाने का मीठा सोडा, 2 बड़े चम्मच वाइट तिल और 1 चम्मच नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 3-4 हरी मिर्ची, थोड़े से धनिया पत्ता, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हमने राई, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच थोड़ा सा हींग लिया है, 5-6 करी पत्ता लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं आटे का ढोकला। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इस बाउल में हम जो आटे का गेहूं का आटा लिया था वो डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच बड़े मैंने यहाँ पे बेसन का आटा लिया है वो भी डाल देते हैं। इसमें हमने जो सूखे मसाले लिए थे वो भी डाल देते हैं। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देते हैं, जो धनिया पाउडर लिया था हमने वो भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे सारे जो मसाले हैं 1 छोटा चम्मच के हिसाब से लिए हैं। अब हम इसमें जीरा पाउडर भी डाल देते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े टेबलस्पून दही लिया था मैंने, फ्रेश दही, वो भी डाल देते हैं। दही से क्या होता है, जो आटा है अच्छे से फर्मेंट भी होता है जल्दी से, और ढोकले में अच्छे से स्वाद भी आता है इसका। अब हम इसे 1 चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स, और हमने जो लहसुन अदरक की पेस्ट ली थी वो भी डाल देते हैं। जो हरी मिर्ची, यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्ची काट के ली थी, चाहो तो आप 1-2 हरी मिर्ची डाल सकते हो। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ किया है हमने यहाँ पे। अब हम इसे 1 चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और जो आटे का अच्छे से घोल बना लेंगे। यहाँ पे हमें जो नॉर्मल ढोकले के लिए हम जो घोल बनाते हैं उसी तरह से इसी आटे का घोल बनाना है हमें। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला था और उसका अच्छे से घोल बना लिया है। अब हम ये जो घोल है, ये जो आटा है, ये हम एक डब्बे में डाल देंगे। जैसे हम नॉर्मली ढोकले का जो आटा है एक डब्बे में डाल देते हैं, उसी तरह से हमें ये जो गेहूं का आटे का घोल है वही भी इसमें डाल देना है। अब हम इसे एक ब्रश की सहायता से अच्छे से ऑयल लगाकर डब्बे को ग्रीस कर लेते हैं। चाहो तो आप ऑयल हाथ से भी लगा सकते हो। अब हम इसमें हमने जो घोल बना के रखा था आटे का वो डाल देंगे इसमें। ऑयल से क्या होता है, हमारा जो ढोकला है ये डब्बे में नीचे चिपकेगा नहीं। अब हम ये जो घोल है डब्बे में डाल देते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें सबसे पहले तो जो खाने का मीठा सोडा लिया था वो भी डाल देंगे घोल में। लास्ट में हमें मीठा सोडा डालना है जब हम उसे पकाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जैसे ही आटे को चम्मच से अच्छे से मिला रही हूँ, वैसे वैसे हमारा आटा फूलता जा रहा है। अब हमें तुरंत ही आटा डब्बे में डाल देना है। और ये जो डिब्बा है हमें एक स्टीमर में हमें उसे पका लेना है, जैसे हम नॉर्मल ढोकला पका लेते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं, आप एक बड़ी सी कढ़ाई लीजिए, उसमें पानी डालिए नीचे और एक स्टैंड रख के ये डब्बा रख दीजिए। अब हम इस पर थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं, और जो हमने वाइट तिल लिए थे वो भी डाल देते हैं। थोड़े से तिल हम लास्ट में जब हम इसको तड़का देंगे तब के लिए बचा के रख देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने गैस पे एक पॉट रख दिया है, इसे स्टीमर बोलते हैं, इस पर मैंने नीचे पानी डाल दिया है। अब हम इस पे हमने जो डब्बा लिया था वो डाल देते हैं, और इस ढोकले को हमें अच्छे से पकने देना है जब तक ये पूरी तरह से पक नहीं जाता है। और बीच बीच में हम एक सूरी की सहायता से उसे चेक करते रहेंगे, जब तक हमारी सूरी
आटे में से क्लीन नहीं निकलेगी तब तक हमें उसे अच्छे से पकाते रहना है। जब हमारी छुरी अच्छे से क्लीन हो जाए तब समझ लेना कि जो हमारा ढोकला है वह पक चुका है। कम से कम हमें इसे 20 मिनट लग सकते हैं मीडियम आंच पे पकाने के लिए। हम गैस की फ्लेम मीडियम रख देते हैं और हमारा जो ढोकला है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। जो ढोकला है वो पूरी तरह से ठंडा करके अब एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे एक चाकू की सहायता से अच्छे से पीसेस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने ढोकले के पीसेस करके लिए थे, अब हम उसे तड़का देंगे। सबसे पहले तो मैंने एक कढ़ाई रख दी और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें हमने जो जीरा लिया था वो डाल देते हैं, जो राई ली थी वो भी डाल देते हैं, जो हींग लिया था वो भी डाल देंगे और जो करी पत्ता हमने लिया था वो भी 5-6 करी पत्ता इसमें डाल देते हैं। अब हरी मिर्ची डाल देंगे जो हमने बचा के रख दी थी। हरी मिर्ची ऑयल में डालने से हमारे ढोकले को अच्छे सा तीखापन आ जाता है। अब हम उसमें हमने जो तिल लिए थे वो भी डाल देते हैं। अब हमारी हरी मिर्ची फ्राई हो चुकी है, हम उसमें हमने जो ढोकला के पीसेस बनाए थे वो डाल देंगे और उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप शालो फ्राई करने जा रहे हैं, चाहो तो आप उसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। जब तक ये क्रिस्पी नहीं होते हैं तब तक हमें उसे अच्छे से फ्राई करते जाना है और बीच बीच में हम उसे पलटते रहेंगे। आप देख सकते हो नीचे से जो हमारे ढोकले के पीसेस थे उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं जब हम इसे छालू फ्राई कर लेते हैं तो, और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब हमारे जो ढोकले हैं वो पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं, हम उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और मैंने ऊपर से थोड़ी सी तिल भी गार्निशिंग कर दी है। आप देख सकते हो कितना ढोकला हमारा एकदम क्रिस्पी बना है। ये आप कोई भी चटनी और दही के साथ नाश्ते में सर्व कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स।